सरहद देखो तो एक भिखारी मास्टर क्या कर रहे हो तुम इसे लायक हो भिखारा मेरी मदद करो मेरी मदद करो नहीं बहुत बढ़िया सबको देख लेने दो कि तुम स्कूल का कलंक हो घटिया चीज मुझे नीचे उतारो मैं घर जाना चाहती हूँ तुम्हें क्लास में घुसने की इजाजत किसने दी कचड़े में जाओ अच्छा सब लोग रेडी हो जाओ हम लोग एक अच्छी सी फोटो लेंगे जिसे प्रॉम के न्यूज़पेपर में हम लोग डालेंगे ये लो मुझे कैमरे की जरूरत क्यों है तुम मेरी क्लास के साथ फोटो लोगी वैसे भी तुम खराब लगोगी चलो चलो खड़े हो जाओ क्या प्रॉम वॉलपेपर पर सिर्फ मैं हो सकती हूँ टीना बातें बनाना बंद करो चलो सब लोग इधर आओ चलो पास में खड़े हो अच्छी सी फोटो लेंगे ओके से चीज़ मुझे तुम सबसे नफरत है अरे ये तुमने क्या कर दिया ईवा मिसेस किटी इस बेवकूफ ने आपका कैमरा तोड़ दिया ओ गॉड ईवा तुम जानती हो ये कितना महंगा था मुझे माफ करना मेरा इरादा ये नहीं था कोई ऐसा कैसे कर सकता है हमारी क्लास में पढ़ो और प्रॉम पे हमारे साथ रहो तो चलो इसके लिए पैसे निकालते हैं बिल्कुल ईवा तुम्हें मुझे $5,000 देने होंगे बच्चों चलो मेरे पीछे आओ मैं पैसे कहाँ से लाऊं मैं इतना नहीं कमाती ओह हे बेस्टी उसे वापस रखो ये ग्राहकों के लिए है शुक्रिया ओहो अब क्या हो गया मैं कूल दिखना चाहती हूँ मेरी तरह नहीं तुम अजीब कपड़े पहनती हो तुम टीना और उसके दोस्तों की तरह नहीं दिखती वो कूल हैं मैं वही हूँ जो मैं हूँ मेरा किसी और की तरह दिखने का कोई इरादा नहीं है वाह क्या मैं थोड़ा पानी खरीद सकता हूँ क्या मैं कार्ड से पे कर सकता हूँ ईवा 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 क्या सब ठीक है क्रीज मुझे क्या हुआ तो क्या मैं पे कर सकता हूँ बेशक तुम्हारे लिए कुछ भी अरे दोस्त क्या हुआ है अरे भाई तुम इस बदबूदार स्टोर में क्या करने आए हो बस इसलिए क्यों नहीं अब देखो मैं क्या करता हूँ रुको मत करो जैक यहाँ से चले जाओ प्लीज सिक्योरिटी हाँ बुलाओ गार्ड को अभी तो आया तुम जैसे भिखारी को यहाँ से बाहर करे क्या तू बिल्कुल ही दिमाग से ढक्कन ये तो पागल है मैं अब और नहीं सह सकती ईवा क्या हो गया तुम रो क्यों रही हो पापा प्रॉम आ रहा है मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारा मतलब क्या है तुम्हारी मॉम तुम्हें ग्रेजुएशन सेरेमनी में देख के काफी खुश होती मुझे उनकी बहुत याद आती है जब तुम्हारी मॉम गुजरी थी मैंने वो सब कुछ किया जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता था इसके लिए मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो हेलो मैं यहाँ हूँ क्या हुआ मिस्टर नीट आप इतने दुखी क्यों हैं मैं अब तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ क्या
है? तुम अभी भी रो रही हो? अरे खुश हो जाओ, हमारा प्रॉम है। मेरी ड्रेस देखो। एक सेकेंड, ये कैसा लगा तुम्हें? भयानक, लगता है वो तुम्हारी भी इंसल्ट करेंगे। तुम बेवकूफ हो। ना ना ना। मैं बस इतना कहूंगी कि ये मेरी जुड़वा बहन है। ना ना ना। बिल्कुल केसी, बढ़िया प्लान है। तुम बेस्ट हो। आई लव यू। क्या तुम्हारे सिर पे चोट लगी है या कुछ और? मुझे जुड़वा बहन चाहिए। मैं एक शानदार इंसान बनूंगी। वो मस्त होगी और हर कोई उसके रिस्पेक्ट करेगा। तुम पक्का पागल हो गई हो। बस मुझे तुरंत अपने कपड़े बदलने की जरूरत है। कैसे? तुम्हारे पास कपड़े के लिए पैसे नहीं है? मेरे पास एक आइडिया है। बस पहुंच गए। ओह, वो पुतला देखो, उसे पकड़ो और भागो। ईवा, हम पकड़े जाएंगे। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो। चलो चले। कैसी? गलत रास्ता। तो दोस्तों, क्या प्रॉम के लिए तैयार हैं? ओह यस, मैंने अपनी ड्रेस पहले ही चुन ली थी और वो भी सबसे सुंदर। बस चुप हो जाओ, मैं प्रॉम में सबसे कूल दिखूंगी। यार, मैं ग्रेजुएट होने का इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता। हेलो क्रिस, हम वह कपल की तरह जा रहे हैं ना। ये कौन आया? हाय दोस्तों। टैक्सी का भाड़ा दोगे कि नहीं? क्या मैं तुम्हें बाद में दे सकती हूँ? हाँ। क्या दिमाग ठिकाना है? मेरी गलती है, तुम जैसी गरीब लड़की को बैठाना ही नहीं था। ये गाड़ी से कौन उतरा अभी? ओ, हमारी बदसूरत ईवा, ये ड्रेस कहीं मिल गई या फिर चुरा ली। मैं ईवा नहीं हूँ, मैं स्टेसी, ईवा की जुड़वा बहन। ईवा का ट्रांसफर मेरे स्कूल में हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ईवा। हाँ, मुझे पता है, ईवा बहुत ही उबाऊ बेवकूफ है और वो ज्यादा पैसे नहीं कमाती, मेरे जैसे नहीं। वाह, ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे अभी प्रिंसिपल से मिलना है। बाय बाय। ये सब बहुत अजीब है। हुर्रे, लगता है उन्हें यकीन हो गया कि मेरी एक जुड़वा बहन है। ईवा, क्या तुम सच में पागल हो? तुम मुझे अपने साथ टैक्सी में क्यों नहीं लाई? मैं बस अपना फुल टर्शन बनाना चाहती थी। वैसे भी मैं ईवा नहीं हूँ, मैं स्टेसी हूँ। स्टेसी, शायद तुम्हें अपना प्राइस टैग हटा देना चाहिए। स्टेसी। ओह, भूल गई। चलो क्लास चलते हैं। स्टेसी, स्टेसी ही क्यों? सेलेना गोमेज़ क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन सी जुड़वा बहन? डॉक्यूमेंट्स भेजे जाने चाहिए थे और हमारे पापा ने आपके पास भेजा है। मैंने कुछ नहीं देखा। ओह, शायद इंटरनेट धीमा था। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ने की इजाज़त दूंगी जब तक कि हम सब कुछ ठीक से समझ नहीं लेते हैं। यस। ओ, तो तुम्हारा नाम क्या था? स्टेसी। हाँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? वो तुम मेरी डेस्क पर बैठी हो। तो तुम किसी और पर बैठ जाओ, क्या क्लियर नहीं है? चुड़ैल कहीं की, मैं इस स्कूल की बॉस हूँ, मुंह बंद करो और जाओ। हाँ, कोई बात नहीं। लड़कियों, मुझे मदद चाहिए। क्या किसी ने होमवर्क किया है? क्रिस, वो भयानक शब्द मत बोलो। अरे बाप रे, तब तो मिस किटी के सामने गड़बड़ हो जाएगी। मैंने होमवर्क कर लिया है। शुक्रिया स्टेसी। कोई बात नहीं। तुम सच में स्मार्ट हो? कुछ से ज्यादा स्मार्ट। टीना का सामना करना कितना डरावना है। स्टेसी, मिसेस किटी, क्या चल रहा है?
मेल में कोई भी कागजात नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, सच बताओ। कुछ तो गलत फहमी हुई है। अच्छा, मैं तुम्हारे पापा के कॉल का इंतजार कर रही हूँ, समझी? अब सब कुछ वही क्लियर करेंगे। मैं क्या करूँ? अरे नहीं, मैं बर्बाद हो गई। केसी, अर्जेंट, कुछ हो रहा है। तो उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया इतनी जल्दी? लूजर कहेंगी। नहीं, तुम्हें टीचर को कॉल करना होगा और मेरे पापा की आवाज में बात करो। ईवा, ये क्या बोल रही हो तुम? छोड़ो मुझे। केसी, प्लीज मेरी मदद करो। मैं इंसर्ट नहीं करवाना चाहती, मैं स्टेसी बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। लाओ, मुझे टीचर का नंबर दो। तुम सबसे अच्छी हो। अननोन नंबर, कौन हो सकता है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं दरअसल स्टेसी और ईवा का पिता बोल रहा हूँ। मेरा नाम पीट है। क्या पीट? मेरे पापा का नाम नेट है। नेट, मैं नेट हूँ। आपने मुझे कॉल करने के लिए कहा था ना? हाँ मिस्टर नेट, मैं आप ही के कॉल का इंतजार कर रही थी कब से। कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो आप लड़कियों के बारे में बात करना चाहती थी। ऐसा है कि उन्होंने स्कूल बदले हैं, सब ठीक है ना? अरे लड़कियों के बारे में भूल जाइए, आइए ना हम लोग चाय पे मिलते हैं मिस्टर नेट। तो सब बढ़िया, उसे यकीन हो गया। ग्रेट। तो तुमने प्रॉम में जाने का क्या प्लान बनाया है? मैं नहीं जा रही, स्टेसी जाएगी। क्या दोस्त है मेरी। मैं लड़कों पर बिजलियां गिराने के लिए तैयार हूँ। देख रहे हो, खूबसूरत लड़कियां तैयार हो रही है। वाह लड़के, तुम बहुत कमाल हो। मैं उस गेंद को सिर पर माना वजन करूंगा, समझ गया? तुम एक काम करो, ये बॉल मुझे धो लाओ। सच में कमाल है। हाँ, बहुत बुरा है कि वो तुम जैसी लड़कियों की तरफ देखेंगे भी नहीं। हेलो, क्या अभी किस तरह की प्रैक्टिस चल रही है? बच्चे, तुम मेरी नजरों से दूर रहने की प्रैक्टिस करो। सुनो तुम, ये बात तुम मेरी बहन ईवा से बोलना, मुझे नहीं, समझी? क्रिस। स्टेसी, तुम्हारे प्रैक्टिस में भी आई थी ना? मुझे अपनी बहन ईवा के स्कूल लाइफ को जानने की जरूरत है। तुम तो बहुत मान लगती हो। हद है। वो क्या कर रही है? क्रिस, उस स्टेसी के साथ? बेवकूफ, मेरी क्रिस के बगल में कोई नहीं खड़ा हो सकता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो पहले से ही उसके बगल में है। ओह सच में? फिर तो दर्द हो रहा है। क्या बात है गई? लगता है मेरी एड़ी मुड़ गई है। आओ टीना, चोट तो नहीं लगी? दफा हो जाओ बेवकूफ। क्रिस, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगे? मैं अपने आप नहीं चल सकती। जरूर, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हमें तो क्या कम है। बाय बाय। क्रिस चला गया। स्टेसी, हमारे क्रिस से दूर रहो, वरना तुम्हें हमसे निपटना होगा, समझी? ईवा को धमकाना, स्टेसी को किसी बात का डर नहीं। वाह, मैं शानदार हूँ। चलो चले जल्दी। या तुम लोग बिल्कुल पागल हो क्या? ओहो, देखो कौन है। शाबाश लड़कियों, तुमने कर दिखाया। मेरे से क्या चाहती है तू? डार्लिंग, मुझे अभी भी इंतजार है कि तुम मुझे प्रॉम में डेट बनाओगे। मैं अकेले ही चला जाऊंगा, तेरे संग जाने से तो बढ़िया ही है, अकेले ही चला जाऊं। लड़कियों, तुम जा सकती हो। हद है, बस जैसे ही इंटरेस्टेड होता है। हमेशा की तरह। हनी, तुम बहुत फनी हो। मुझे बताओ, मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, ये वाली या ये वाली? अरे तेल लगा, चाहे स्विमसूट पहन ले यार, मेरे को क्या पड़ी है। ओहो, तो
तुम मेरी लंबी टांगे देखना चाहते हो? मैं समझ गई। परेशान हो गया हूँ मैं तो यार। तुम कहीं नहीं जाओगे। उप्स, कितना रोमांटिक है ना। टीना, क्या तुमने क्रिस को कहीं पर देखा है? रुक जा। ओ, ये मैंने क्या देख लिया, ये बहुत गलत हो गया मुझसे। ठीक है, मैं गलत समय पर आ गया लगता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ज़क, मेरे को मत छोड़, ये बुरी तरह से पागल है ये लड़की। चलो फिर। वो बहुत अच्छा है, मैं सहन नहीं कर सकती और वो मेरे साथ प्रॉम में जाएगा। ईवा, तुम घूर क्यों रही हो, कुछ खा क्यों नहीं रही? मैं स्टेसी हूँ, कितनी बार बोलूँ तुम्हें। ओह, माफ करे मिस स्टेसी, लेकिन तुम्हारी दोस्त को इसकी आदत नहीं हो सकती। मैं इसे नहीं खाऊंगी, वैसे भी मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, मैं वापस कर दूंगी। कहाँ, इसे यहीं रख दो, मैं इसे खा लूंगी और हमेशा की तरह चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगी। टीना, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। हाय, कैसे हो तुम? ईवा, या स्टेसी, जो भी हो। उसे माफ करना, ये केसी मजाक कर रही है। कैसे भी करके मेरी मदद करो। स्टेसी, हम तुम्हें तुम्हारे साथ घूमने के लिए बुलाना चाहते थे। हाँ, शायद हम ब्यूटी सलोन जा सकते हैं या फिर शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ? क्या ये सच है? हाँ, तुम यहाँ नहीं हो, हम तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। अच्छा, जब मैं क्लास में नहीं आई थी तो तुमने मेरा सिर टॉयलेट में डुबो दिया था, और ईवा का भी। स्टेसी, तुम और ईवा जितनी लूजर नहीं है, तो वो हमारे साथ घूम सकती है। और मेरा क्या स्टेसी? तुम बस अपनी कैलोरी से भरपूर पेस्ट्री खाओ। यकीन नहीं होता, वे ईवा के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन स्टेसी के साथ तुरंत। स्टेसी, तुम तो मालो यार, अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तो पगलिया है। अरे क्रिस, ये सब क्या चल रहा है यार? अरे वाह भाई साहब, क्या देख रहे हो? तेरे काय को बताऊं, अंदर का मामला है। शायद तुम हमारी क्लास की लड़कियों के फिगर को देख रहे थे। ये मुझे नहीं परवाह नहीं है घंटा। बुरा हुआ, मुझे तो अब भी उनसे मिलने का मन हो रहा है। ओ वापस आ जा। मिल गया तुम्हारा फोन, मैं भी तो देखूं क्या देख रहे थे तुम। गधा कहीं का, जरा देखूं तो। अरे वाह, ये तो यहाँ पर स्टेसी है, ईवा की बहन का फिगर देख रहे थे तुम। हाँ हाँ, मेरा फोन वापस कर। तुम तो छुपे रुस्तम निकले क्रिस। ज़क, मुझे क्या करना चाहिए, ये बयान आ गया, सब खत्म हो रहा है यार। क्रिस, आखिर बात क्या है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुन तो मेरी बात, लंबे टाइम से मैंने ऐसा महसूस ही नहीं किया है। ज़क, वो मुझे पसंद है यार, केडी के संग डेट पे जाना चाहता हूँ। तो फिर जाओ उसके पास। अगर उसने मना कर दिया तो एसकेटा, मैं तो मर ही जाऊंगा। यार मैं स्कूल का सबसे खतरनाक क्रश हूँ। भाई एक काम करो, तुम ईवा के पास जाओ और उससे पूछो कि उसकी बहन स्टेसी को डेट पर क्या पसंद है। ठीक है, शुक्रिया भाई, वो स्टेसी मेरी होगी। मैं भी किसी का क्रश हूँ। वाह, मैं पहले कभी सैलून नहीं गई। हमारे ब्यूटी सैलून में आपका स्वागत है। हेलो, हमारे पास अपॉइंटमेंट है। बढ़िया, अपना नाम बताएं प्लीज। तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ, क्या तुम पागल हो? मुझे माफ करना, काम पर आज मेरा अभी दूसरा दिन है। तो क्या हमारे दोस्त को सब जानते हैं? मुझे माफ करना, लेकिन चुप रहो। हमारे साथ स्टेसी भी है, इसका भी साइन अप करो। हाय, मुझे किसके लिए साइन अप करना चाहिए? हाँ, मैं समझ गई। फेशियल, पील, मसाज, जो $200 का होगा। कितना? स्टेसी,
तुमने कहा था कि तुम बहुत कमाती हो। हाँ, मुझे हैरानी है कि ये इतना कम है। तो ठीक है, प्लीज काम शुरू करें। ओ, पहले लड़कियों को जाने दो, मैं बाद में जाऊंगी। ठीक है, तो चलो। आपका सैलून अच्छा है। अरे नहीं, मुझे काम के लिए जाना है, वो मुझे निकाल देंगे। अरे पील, मसाज और फेशियल का क्या? मैं कपड़े बदलने में कामयाब रही और लगभग देर भी नहीं हुई। इवा, ये सब क्या है? काम पे इतना देर से क्यों आई हो तुम? माफ करना, मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी। वो सब मैं नहीं जानता, फाइन भरोगी अब तुम। लानत है, मैं इस तरह पैसा कभी नहीं कमा पाऊंगी। ओ इवा, मैं वो पूछ रही है, तू काम भी आई आज? सही है। वाह क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तेरी बहन स्टेसी के बारे में बात करना चाहता था तेरे से थोड़ी सी। उसके बारे में क्या? हमने अभी अभी स्कूल बदले हैं, तो वो वहाँ है और मैं यहाँ। मेरे को लगता है कि मेरे को स्टेसी से प्यार हो गया है और आगे का प्लान समझ में नहीं आ रहा है। क्या दोबारा बोलना? मेरे को स्टेसी पसंद है, जब से उसे देखा है तो चिंगारी जलपुटी अंदर ही अंदर। मतलब मैं प्रॉम डेट के लिए पूछना चाहता हूँ, तू मेरी हेल्प करेगी? स्टेसी, प्रॉम डेट? मुझे एक बात बताओ, जितना तुम मुंह चलाती उतना हाथ क्यों नहीं चलाती? सामान फैला हुआ है, साफ करो इसको। मुझे माफ करना, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी। तुम्हारा बोनस कैंसल और फाइन डबल, जल्दी हाथ चलाओ और साफ करो इसको। देखी बुरे टाइम पे आया हूँ मैं, चल यार मिलते हैं, तेरी बहन के बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखियो, टाइम में खाने गई हो। क्या हो रहा है? क्रिस को मुझसे प्यार हो गया? खैर मैं नहीं, स्टेसी, लेकिन स्टेसी मैं ही हूँ। अरे नहीं। मैंने इन बकवासों के साथ और स्टेसी के साथ क्या गड़बड़ कर दी? स्टेसी, तुम यहाँ हो? हाँ मैं यहाँ हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम सैलून से कहाँ चली गई थी? हम लड़कियों ने तुम्हें हर जगह ढूंढा। बस जरूरी काम था। मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहती थी। वाह, क्या खास है? हम तो अब दोस्त हैं, हाँ कह दो ना। ठीक है, मैं आती हूँ। मैं तुम्हें टाइम मैसेज करके बता दूंगी। अरे मुझे इसकी आदत नहीं, ये इवा को नफरत करती है और स्टेसी के साथ घूमना चाहती है। मैं मूवी की दो टिकट लाई हूँ, ये देखो। हमें दो टिकटों की जरूरत क्यों है? अरे हमने फिल्म में देखने का प्लान बनाया था। फिल्म में। सॉरी केसी, मैं नहीं आ सकती, टीना ने मुझे इनवाइट किया है। क्या, ऐसे कैसे? तुम मुझे उस बेवकूफ के लिए छोड़ रही हो? सॉरी केसी। ये कैसे हो सकता है, मुझे उसके लिए छोड़ दिया। अरे क्यों रो रही है केसी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लोगों से छुप रहा हूँ जो मुझे मारना चाहते हैं। हाँ तो अब मैं तुम्हें पीटूंगी, मुझे डरा दिया। मैंने सब सुन लिया है, देखो इवा पर ध्यान मत दो बिल्कुल भी। अच्छा ये तो बताओ कि ये स्टेसी कौन है? इसे भूल जाओ, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं। क्या तुमने उस स्टेसी को बुला लिया? टीना क्यों? क्यों नहीं, वो कूल है और उसके पास पैसा भी है, बुलाना ही था। वाह, तो तुम पहले ही अपने दोस्तों को धोखा दे चुकी हो। खैर तुम सबके बारे में गप शप कर सकती हो, तुम बेकार हो, तुम खुद ही गॉसिप करती हो। ओह जो भी हो, यहाँ से चली जाओ, मुझे क्या करना है मैं ये खुद तय करूँगी। ठीक है, तुम्हारे नए दोस्त के लिए गुड लक। बेवकूफ, वो नहीं समझते मुझे उस बेवकूफ को पास रखने की जरूरत है। मैंने देखा है क्रिस उसे कैसे देखता है। स्टेसी, सॉरी। अरे रुको ना, कहाँ चल रही है? ओह क्रिस, हाय। तो सुन नहीं रही क्या? स्टेसी चिल्ला रहा हूँ गधे की तरह। अरे सॉरी, मुझे इस नाम की आदत डालनी होगी। यार तेरे से डेट वेट के बारे में पूछना चाह रहा था, तेरे को देख के पगला गया हूँ। मुझे पता है। क्या?
उप्स, वाह, यकीन नहीं हो रहा क्रिस, मैं ये भी नहीं जानती कि क्या कहूँ। यार मेरे को लगता है हम प्यारे से कपल बनेंगे, शायद किसी तरह से खिताब जीत लें यार। चलो इसे ट्राई करते हैं। स्टेसी तुम बहुत कट्टो माल हो यार। शुक्रिया। चलो कैफे वैफे चलते हैं, थोड़ी कॉफी वॉफी पिलाता हूँ तुम्हें, जैक को भी कॉल कर देता हूँ, इधर लाओ हाथ। जरूर। स्टेसी क्या हो गया? जैक मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कैफे में बुलाओगे। वो तो मैं तुम्हें बहुत वक्त से बुलाना चाहता था, तो मैंने क्रिस को भी यहाँ पर बुलाया। हाँ तो ठीक है, मैं टीना को फोन करती हूँ, उसे भी आने दो। रुक जाओ तुम, मत लगाना फोन। और हम आ गए। हाय स्टेसी, वाह तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिस ने मुझे बुलाया। हम एक साथ घूमना चाहते थे, जैक और एलिस और मैं स्टेसी के साथ। आइडिया तो बहुत अच्छा है, डबल डेट्स करते हैं, ठीक है? हाय गाइस, आपका ऑर्डर क्या रहेगा? वाह केसी, तुम वेट्रेस की तरह काम करती हो। हाँ स्टेसी, ईवा जानती थी कि मुझे पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है। ये पागलपन है। तो फाइनली आप क्या मंगाना चाहते हैं? मैं कब तक यहाँ खड़ी रहूंगी? आ गई फालतू में डेट खराब करने वाली, जाओ अपना काम करो। और मेरे लिए नींबू पानी। हाँ? अरे रुको, तुम केसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? ये बेवकूफ मूड खराब कर देती है, एक नंबर की अजीब लड़की है, तुम्हारी बहन की तरह गरीब। और हमारे स्कूल में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सही बोल रही। अरे क्या बकवास है। अरे शांति बरको यार, मेरे को बताओ कि तुम कपल की तरह प्रोम में जा रहे हो क्या? हाँ। बढ़िया है, स्टेसी और मैं भी कपल की तरह जाएंगे, चिपक के। क्या तुम और वो प्रोम में? यकीन नहीं होता। तुम किसे फोन लगा रही? कुछ नहीं कुछ नहीं। टीना तो क्या तुमने अपना प्रॉम ड्रेस चुन लिया है? बेशक मैंने चुन लिया, मेरे पास हमेशा की तरह सबसे अच्छी ड्रेस होगी। क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कौन सी है? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें दिखाऊंगी? तुम मेरा लुक केवल प्रॉम में देखोगी। ठीक है, मेरे पास भी एक सुंदर ड्रेस होगी। चुप रहो। नहीं ये नहीं हो सकता। ये क्या है? मुझे इससे नफरत है। ये कैसे हो गया? क्यों? मुझे तुमसे डर लगता है। बेवकूफ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी पागल स्टेसी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि नॉर्मली हुआ क्या है? सुनो बच्चों, क्या मैं मिसेस किटी से मिल सकता हूँ? तुम यहाँ से चले जाओ। वो पागल है। क्रिस ने स्टेसी को अपनी प्रॉम डेट के लिए पूछा है, वो उसके साथ, मेरा क्रिस उसके साथ। यकीन नहीं होता, उसने उसे वश में कर लिया और तुम उसकी दोस्त बनना चाहती थी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत थी ताकि स्टेसी क्रिस से दूर रहे और सब उल्टा हो गया। तुम क्या करोगी? मैं क्रिस को ऐसे नहीं जाने दूंगी और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वो कभी एक ना हो। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, प्रॉम कल है, मेरे पास ड्रेस नहीं है, केसी नहीं आई और टीना ने मुझे अपने घर पर नहीं बुलाया। मैं स्टेसी नहीं हूँ, मैं ईवा हूँ। तुम आखिर रो क्यों रही हो? पापा, दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? अगर मुझे पता होता स्वीटहार, ओह जो भी चीज तुम्हारे पास मौजूद है तो हम वो तुम्हारे लिए कभी नहीं खरीदते। केसी ने मुझे दिया। उसे वापस कर दो, उसे, तुम उसे खराब कर दोगे और हम वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। ओह अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था, कल तुम्हारा प्रॉम है स्वीटहार। हाँ मैं अब जाना नहीं चाहती। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, हर कोई हंसेगा और फिर से मजाक उड़ाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। ये लो। पापा ये क्या है? ये ड्रेस तुम्हारी मॉम की ड्रेस है। यहाँ तक कि उनकी परफ्यूम भी इसमें मौजूद है।
मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम ये ड्रेस तुम पर देखकर काफी खुश होती। थैंक यू पापा, मैं प्रॉम में जाऊंगी और जो होना है होता रहे। तो क्या ये सब सच है? तुम बकवास तो नहीं कर रही? नहीं, मैं इसे ज्यों का त्यों बता रही हूँ। वाह क्या खबर है, मैं स्टेसी को कल प्रॉम में दिखाऊंगी। और अब हम अपनी ग्रेजुएट्स का स्वागत करते हैं। ओह कितने ज्यादा सुंदर है, चलिए तालियां बजाइए तालियां। अरे स्टेसी कहाँ मर गई, आ कह ना रही। अगले स्टूडेंट्स हैं डेलन और केसी। हमें छोड़ दो, शायद तुम्हारा मन बदल गया हो और मेरे साथ आओगे। नहीं स्टेसी इंतजार कर रहा हूँ यार। बेवकूफ। और अब आ रहे हैं हमारे अगले स्टूडेंट्स टीना और एड्रियल। हेलो दोस्तों, क्या आपने सबसे अच्छे स्टूडेंट को याद किया? अरे हटो जरा, मैं दिखाई नहीं दे रही हूं। यहां से दफा हो जाओ। अरे कहां मर गई? सॉरी मुझे देरी हो गई। कट्टो माल लग रही हो यार। और अब बारी है आखिरी कपल की, क्रिस और स्टेसी। बदबूदार भिखारी। दोस्तों मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और अब आपको डिप्लोमा मिलेगा। मैं नहीं कर सकती। चलो स्टेसी से शुरुआत करते हैं, तुम अपनी बहन ईवा के हाथ से डिप्लोमा लोगी। शुक्रिया दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों से हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि ईवा आप लोगों के साथ लकी है। मैं उसे डिप्लोमा दूंगी। क्या तुम इतना ही कह सकती हो, झूठी? अरे कहाँ भागे जा रही है? अब तुम देखोगे कि वास्तव में स्टेसी कौन है। सब लोग स्क्रीन को देखो। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं सच बताना चाहती हूँ, स्टेसी वो नहीं है जो वो होने का दावा करती है। अच्छा तो तुम क्या समझा सकती हो? हाँ मैं बताती हूँ, स्टेसी असल में ईवा है। उसे सजने सवरने और अपनी जुड़वा बहन बनने के लिए जानबूझकर एक महंगे स्टोर से सामान चुराया। तो क्या ये सब सच है? तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं, जैसा था मैंने वही बताया। क्या मतलब है इसका? मुझे माफ करना, मेरा मतलब ये नहीं था। ये बस हो गया। हाँ वो हम सबको बेवकूफ बनाना चाहती थी और वो मेरे बॉयफ्रेंड को ले गई। ओह भयंकर घटिया झूठी। और अब इस दिन को बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ये तो क्या कर रहे हो? ये मैंने क्या कर दिया? सब मेरी गलती है। देखा तुमने कैसे? हर कोई इस बेइज्जती को याद रखेगा। उम्मीद है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगा। टीना तो एक नंबर ही पगलिया है। कम्बल से ढक ले, ठंडी ना लगेगी फिर। क्रिस मुझे शर्म आती है कि तुम शायद सदमे में हो कि मैं ईवा हूँ और स्टेसी कभी नहीं थी। सच बताओ मेरे को घंटा भर नहीं पड़ता। मतलब? मैं तेरे को पसंद करूंगा चाहे तू ईवा हो चाहे स्टेसी हो। हाँ मैं बस एक अच्छी ग्रेजुएट बनना चाहती थी, इसलिए मैं बेवकूफ इमेज के साथ में आई। मैं बैकग्राउंड में गरीब लड़की नहीं बनना चाहती थी। तो वापस चले घर? नहीं, मैं टीचर और बाकी सभी लोगों से आंखें नहीं मिला पाऊंगी। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। लेकिन आज चुम्मा दे दे। क्रिस तुम क्या कर रहे हो?
दिल कर रहा ले ली चुम्मी? मुझसे अभी भी कचरे जैसी बदबू आ रही है। मुझे अकेला छोड़ दो। वाह, लगता तो है तुम्हारी ग्रेजुएशन काफी अच्छी गुजरी है। मिस्टर नेट, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? लेकिन मुझे बाद में तुम ये जरूर बताना कि ईवा स्टेट में आखिर क्यों है। ईवा, मुझे माफ कर दे यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मुझे नहीं पता था कि टीना ये सब कर देगी। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ग्रेजुएशन पर मेरी इंसल्ट की गई। समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने उस टीना के साथ घूमना शुरू कर दिया था। मैं पागल हो रही थी, इसीलिए मैंने बदला लेने की सोची। हमेशा के लिए इंसल्ट होना मेरा भाग्य है। मुझे माफ कर दो, चलो सब भूल जाते हैं प्लीज। ठीक है, वैसे भी हम अपने क्लासमेट्स को दोबारा नहीं मिल पाएंगे, और वैसे भी ये मेरी गलती है, मुझे स्टेसी को नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन ये मजेदार था। और एक चीज और, तुम ईवा ही अच्छी हो। क्रिस ने मुझे वही बताया, अब उसे स्टेसी पसंद नहीं है, उसे ईवा पसंद है। साफ करो हल्दी। मिसेस किटी, ये राक्षस है, राक्षस। मुझे जुड़वा बहन चाहिए। वाह क्रिस, क्या देख रहे हो भाई? क्या तो मेरी बाढ़ लगा रहा है।